प्रयागराज में होगी अशरफ की पेशी, पीछे पीछे जाएगी पत्नी और बहन, सता रहा है एनकाउंटर का खौफ। यूपी की बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद आज प्रयागराज ले जाया जाना है। इसके लिए प्रयागराज से वाहन बरेली पहुंच चुका है। अशरफ के परिजनों को आशंका है कि फेक एनकाउंटर किया जा सकता है, इसके लिए वे पुलिस के भी पीछे पीछे चल रहे हैं। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को प्रयागराज कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा चुकी है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी साथ जाएगा। प्रयागराज पुलिस के साथ ही अशरफ की बहन आयशा और पत्नी जैनब फातिमा अशरफ से मिलने बरेली पहुंची। पत्नी और बहन ने अशरफ के फेक एनकाउंटर की आशंका जाहिर की है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की आज प्रयागराज की कोर्ट में पेशी होनी है। इसको लेकर अशरफ की पत्नी और बहन बरेली पहुंची है। ये दोनों प्रयागराज तक साथ जाएंगी। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा ने मामले की जाँच सीबीआई से करा जाना सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। इसी साथ अशरफ की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे एग्जाम तक नहीं दे सके, पूरा परिवार परेशान है, ज्यादातर मुकदमे झूठे हैं। अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक द्वेष में ला दे गए हैं। परिजन बरेली से प्रयागराज तक जाएंगे। अशरफ अहमद के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उनके परिवार को पहले ही मिट्टी में मिलाया जा चुका है। उनके बैंक बैलेंस से लेकर घर का खत्म कर दिया गया है। बहन ने ड्राइवर के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। डर है कि रास्ते में कहीं फर्जी एनकाउंटर न हो जाए या गाड़ी न पलट जाए। बता दें कि अशरफ अहमद के वकील की टीम बरेली जेल पहुंची। वकील ने कहा कि डर है कि रास्ते में कहीं फर्जी एनकाउंटर हो सकता है या गाड़ी पलट सकती है, इसलिए यह देखने आए हैं कि नियम अनुसार इनको जिस प्रकार से प्रयागराज ले जाया जा रहा है उसी तरह वापस भी लाया जाए। प्रयागराज से वाहन बरेली जेल पहुंच चुका है। अशरफ के वकील बोले, क्लाइंट को जान का खतरा। मीडिया से बात करते हुए वकील पंकज पाठक ने कहा कि इलाहाबाद में विजय मिश्रा ने मुझे एंगेज किया है, उनका पर्चा यहां दाखिल किया गया। उनके कहने पर मैं देखने आया हूं कि क्या उनका क्लाइंट सही तरीके से जा रहा है। क्लाइंट को जान का खतरा है, बिल्कुल है। आजकल देखा जा रहा है कि किस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए हम देखने आए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस रिएक्ट करे, लेकिन लीगल तरीके से कार्रवाई करे।